हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर सोमू दे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लीडिंग डिसऑर्डर और सेप्टिक इन्फेक्शन के एक अनोखे होम्योपैथिक दवा के बारे में। इस दवा का नाम है एंथ्राक्सिनम। अगर कोई भी जगह पे इन्फेक्शन हुआ हो या गैंग्रीन हुआ हो या कोई भी जगह बहुत ही इन्फेक्टेड होके वहाँ पे खून आना चालू हो जाए, जैसे माउथ में इन्फेक्शन हुआ और उससे खून आना चालू हुआ, हाथ में कहीं पे इंजरी हुआ था, उसको ठीक ठाक से ट्रीट नहीं किया गया और वह उस जगह पे इन्फेक्शन बढ़ गया और खून आना चालू हुआ, उस केस में ये दवा यूज़ होता है। लेकिन एक सिम्टम है कि खून का कलर ब्राइट रेड नहीं होगा, मतलब वो थोड़ा डार्किश होगा खून का कलर, मतलब इन्फेक्टेड खून होगा, तो उस एरिया को ठीक करने के लिए ये दवा बहुत ही कारगर है। किसी भी एरिया पे अगर सेप्टिक हो गया हो, उस जगह सड़ जाए और बहुत ही ज़्यादा जलन हो, वहाँ पे पास फॉर्म हो जाए, तो ये दवा प्रिस्क्राइब किया जाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। किसी भी जगह पे चोट लगने के बाद वो जगह अगर कट जाए और उसमें कोई भी गंदा पानी या फिर कुछ केमिकल लग जाए, तो वो जगह बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाता है। उससे बुखार भी आ सकता है और उस जगह सड़ भी सकता है वो जगह, और उस जगह का जो खून जम जाता है वो डिकम्पोज यानी पच जाता है, तो वो ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। यही इस दवा का इंडिकेशन है। इस सारे केस में ये दवा एंथ्राक्सिनम यूज किया जाता है। कुछ कुछ पेशेंट का स्प्लीन बढ़ जाता है। स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, बाएं तरफ में रहता है, वो बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी ये दवा यूज होता है। और जो स्प्लीन बढ़ जाता है, इसको हम स्प्लेनोमेगाली बोलते हैं। स्प्लेनोमेगाली का भी ये एक अच्छा दवा है। किसी भी टाइप के सेप्टिक फीवर में बॉडी बहुत ही वीक और प्रोस्टेटेड हो जाता है। पेशेंट बहुत ही मतलब वीक हो जाता है, सोया रहता है हर वक्त, फीवर बहुत ही ज़्यादा होता है और उसके साथ मुंह से बहुत ही दुर्गंध आने लगता है। कोई भी जगह अगर प्रेशराइज्ड हो तो वहाँ पे बेड शोर हो जाता है और बहुत ही दुर्गंध रहता है। ऐसे इन्फेक्टेड बॉडी को ये दवा पूरी तरह से ठीक कर देता है। कोई भी बिग बॉयल हुआ या फिर करबंकल हुआ, वो जगह अगर सड़ जाए, बहुत बदबू आने लगे और जो पस आ रहा है वो भी डिकम्पोज यानी पच जाए और बहुत ही दुर्गंध हो उसमें, या फिर ब्लड आए वो भी ब्लैकिश कलर का हो, तो ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई जहरीला कीड़ा काट दे और वो जगह फूल जाए और पचने लगे, तो ये दवा यूज़ किया जाता है। गैंग्रीनस अल्सर हो या फिर कोई भी करबंकल हो, किसी भी जगह पे मैलिग्नेंट ब्लीडिंग चालू हो जाए या फिर कोई जहरीला इंसेक्ट बाइट हो, अगर ब्लीडिंग ब्लैकिश कलर का हो, तो एंथ्राक्सिनम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो को समराइज करते हैं। एंथ्राक्सिनम लेने से पहले इसका चार जो मेन सिम्टम है उसका ध्यान रखिएगा। पहला सिम्टम है, जो खून आता है वो सड़ा हुआ होता है, वो रेड नहीं होता, वो थोड़ा डार्किश ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का होता है। दूसरा सिम्टम है, जो खून आता है या फिर कोई भी जगह अगर इन्फेक्टेड हो, तो वो जगह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगता है, वो जगह बहुत ही जल्दी सड़ जाता है, तो ही ये दवा का यूज़ होता है। तीसरा सिम्टम है फीवर, मतलब कोई भी जगह अगर इन्फेक्टेड हो जाए, सड़ जाए, तो उसके कारण जो दर्द होता है उसके कारण बुखार भी आ जाता है और बुखार बहुत ही ज़्यादा होता है, और इस केसेस में ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। और चौथा यानी आखिरी कारण जो मैं देखता हूँ वो है ग्रेट प्रोस्टेशन। पेशेंट बहुत ही वीक हो जाता है, पेशेंट कभी कभी फेंट भी हो सकता है, बहुत ही वीक हो जाता है, डिलीरियम होता है उनको, और मतलब बहुत ही वीक और प्रोस्टेशन, पेशेंट मतलब बेड में पड़ा रहता है, उठने का उतना बल नहीं होता उसको, बहुत ही वीक हो जाता है। दोस्तों, अगर ये चार सिम्टम रहे पेशेंट में, तो एंथ्राक्सिनम 30 पोटेंसी में मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत ही अच्छा असर मिलता है और पेशेंट कुछ दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नॉन हीलिंग अल्सर हुआ या कोई भी पॉइजनस गैंग्रीन हुआ वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन पहले मुझे डायबिटीज़ को भी एक्सक्लूड करना पड़ता है, इसलिए मैं एक शुगर का टेस्ट भी दे देता हूँ, ताकि अगर डायबिटीज़ ज़्यादा हो तो हीलिंग में प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर डायबिटीज़ ना हो तो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है। दोस्तों, ये एक होम्योपैथी दवा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इस दवा का नाम है एंथ्राक्सिनम 30।
दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आप इस दवा के डोज के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 2 बार सिर्फ 7 दिन के लिए ये दवा को लेना पड़ता है। 2 बूंद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और 2 बूंद रात को डिनर के बाद, मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा। अगर आप स्मोकर है तो मेडिसिन लेने के बाद आधे घंटे तक स्मोकिंग को अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों इस दवा को आप डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही लीजिएगा और आपके डॉक्टर जो भी डोज प्रिस्क्राइब करे उसको ही कंटिन्यू कीजिएगा।